हेलो प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का अध्याय 15 प्रायिकता। तो आइए जान लेते हैं प्रायिकता होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, तो ये आखिर होती क्या है प्रायिकता? तो बच्चों, प्रायिकता कुछ नहीं, प्रायिकता केवल एक आकलन या एक एस्टीमेट होता है। ये एक आकलन या एस्टीमेट होता है। हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये घटना घटेगी, इसकी प्रायिकता या इसकी संभावना कितनी हो, क्या कहलाएगी उसकी प्रायिकता। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालेंगे हम तो उसमें या तो चित आएगा या पट आएगा। तो चित आने की जो प्रायिकता वो क्या होगी, 1/2, और पट आने की संभावना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, 1/2। अगर हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हमारे पास क्या प्रायिकताएँ हो सकती हैं, कि ये हो सकता है कि दोनों बार पटाए, या हो सकता है कि दोनों बार क्या आए, चित आ जाए, या एक बार पट और एक बार चित आ जाए। तो बच्चों, जो प्रायिकता होती है वो सिर्फ एक आकलन, एक एस्टीमेट होता है। बच्चों, एक घटना जो घटित नहीं होगी, जिसकी हमें ये कन्फर्म है कि ये घटना घटित नहीं होगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। जैसे हम कहें कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकलेगा, तो ये हमें पता है कि सूर्य पश्चिम दिशा से नहीं निकलता, ये 100% कन्फर्म है, निश्चित है कि वो वहाँ से सूर्य पश्चिम से नहीं निकलेगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। दूसरी तरह अगर हम ये कहें कि सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलेगा, तो यहाँ पर ये निश्चित है कि सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। तो कोई निश्चित घटना जो घटित होगी उसकी प्रायिकता होती है 1, और असंभव चीज़ जो घटित नहीं होगी, असंभव की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेकर के 1 तक, यानी 0 से प्रायिकता कम नहीं होगी और 1 से प्रायिकता ज़्यादा नहीं होगी, 0 से लेकर के 1 तक, या इसके बीच में कहीं पर आएगी। तो कोई निश्चित घटना के लिए प्रायिकता हो जाएगी 1, और असंभव घटना के लिए प्रायिकता होगी 0। यहाँ पर बच्चों, जो पीई है वो क्या है, ई से मतलब है यहाँ पर इवेंट, घटना से, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, पी का मतलब प्रायिकता, वो क्या होगी, वो हमारे पास हो जाएगी ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या ई के अनुकूल, बटे प्रयोग में कुल संभावित परिणामों की संख्या। किसी भी प्रयोग की सभी जो संभावित घटनाएं हैं या प्रायिकताएं हैं, उनका जोड़ क्या होगा, हमेशा ही 1 होगा। किसी भी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का जोड़ क्या होगा, 1 होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि पीई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जमा किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ होगा 1। यहाँ पर ई का, ई बार का मतलब है ई का पूरक, यानी ई के घटित ना होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता, इन दोनों का सम आएगा 1 के बराबर। इसको आपने याद रखना है, ई बार यहाँ पर ई का पूरक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ई नहीं। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने एक सिक्का लिया, उस सिक्के को उछाल दिया हमने, तो सिक्के को हमने 1 बार उछाला है, तो वहाँ पर सिक्के में के अंदर प्रायिकता होगी इसके चित और पट के आने की, तो चित है उसके आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, और पट के आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2। क्यों? क्योंकि चित है जो वो उसके अंदर 1 है, और पट भी उसके अंदर कितना है, 1 है, और कुल संभावित परिणाम क्या है, 2, कि या तो चित आएगा या पट आएगा, तो 2 कुल संभावित परिणाम है, और चित के अनुकूल परिणाम है सिर्फ 1, और पट के भी अनुकूल परिणाम है सिर्फ 1, तो इसलिए चित आने की प्रायिकता का, कि आने की जो प्रायिकता होगी वो भी 1/2 होगी, और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। एक बच्चों, इस प्रश्नावली के अंदर ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न आएगा, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ताश के जो पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी के अंदर जो कुल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52,
वो 52 पत्ते होते हैं, उसके अंदर से 13 जो होते हैं वो होते हैं पत्ते किसके, ईंट के, 13 होते हैं पान के, 13 पत्ते होते हैं हुक्म के, और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के। इस प्रकार से ये 52 पत्ते होते हैं, ये बटे होते हैं 13 ईंट के, 13 पान के, 13 हुक्म के और 13 चिड़ी के। अब बच्चों इनके कलर के बारे में, रंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ईंट का जो रंग होता है वो होता है लाल, पान का पत्तों का जो रंग होता है वो भी लाल होता है, हुक्म के पत्तों का रंग काला होता है और चिड़ी के पत्तों का रंग भी काला होता है। इन सभी पत्तों के अंदर एक होता है गुलाम, जिसको हम जे से दर्शाते हैं, एक होता है बेगम क्या उसे, एक होता है बादशाह जिसमें के लिखा होता है, और एक होता है इक्का यानी ई। ये सभी पत्तों के अंदर एक एक होता है, यानी कि जो ईंट के पत्ते हैं उनके अंदर एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का। इसी प्रकार जो पान के पत्ते होते हैं उसके अंदर भी एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का होता है। इसी प्रकार जो पान के पत्ते होते हैं उनके अंदर एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का। इसी प्रकार हुक्म के पत्तों के अंदर भी एक एक होते हैं, और इसी प्रकार चिड़ी के अंदर एक एक सबके अंदर ये होते हैं। इसमें एक बच्चों आपसे तस्वीर वाले पत्तों के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ईंट के पत्तों की, जो उनकी संख्या होती है 13। अब उन 13 ईंट के पत्तों के अंदर जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं एक तो गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह, यानी 3 पत्ते। इसी प्रकार पान के 13 पत्तों में 3 पत्ते होते हैं गुलाम, बेगम और बादशाह, वो तस्वीर वाले होते हैं। इसी प्रकार हुक्म के अंदर 3, इसी प्रकार चिड़ी के अंदर 3 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। तो कुल जो तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे हमारे पास वो होंगे 12। प्रत्येक से 3 3, यानी कुल 12 पत्ते। एक बच्चों इसमें आपसे बार बार प्रश्न में कहा जाएगा कि यादृच्छा एक पासे को उछाला जाता है, यादृच्छा एक सिक्के को उछाला जाता है। जो यादृच्छा क्या होता है इसको समझिए, इसको हम बोलते हैं रैंडम। तो यादृच्छा का अर्थ होता है कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी रुकावट के उसको स्वतंत्रता पूर्वक फेंकना या हवा में उछालना, वो कहलाएगा यादृच्छा। यानी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पक्षपात के उसको स्वतंत्रता पूर्वक उछालना, उसे बोलते हैं यादृच्छा या रैंडमली।